आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम पावर बीआई के लिए बात कर रहे हैं, और पावर बीआई जो एक्सेल पार्ट है उसमें पावर क्वेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो पावर क्वेरी हम बताने जा रहे हैं पूरी की पूरी वही है जो कि हम पावर बीआई में यूज करते हैं, सेम टू सेम, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो चलिए हम एक नई फाइल को लेते हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि हमें पावर क्वेरी की जरूरत क्यों पड़ती है। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि हम यहाँ एक्सटर्नल डेटा को कैसे लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे फ्रॉम फाइल में गए और हमने एक डेटा को इंपोर्ट कराया, एक डेटा को यहाँ हमने इंपोर्ट कराया, मान लीजिए डेटा में कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए आपका डेटा, मैं डेटा वाले फाइल यहाँ पे थोड़ा सा विजुअल होगा, यहाँ पे हमने इसको लोड कर दिया। लोड हो गया, ठीक है सर, ठीक है। तो इसको लोड हो गया तो इसमें तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन मुझे इसमें और कुछ कैलकुलेशन करनी है तो मुझे बाहर करना पड़ेगा। तो ये टेबल से बाहर हो जाएगा, क्योंकि जब भी डेटा इम्पोर्ट होगी टेबल इंपोर्ट होगी या फिर पिवट टेबल में इंपोर्ट होगी, इसमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन वगैरह नीचे करना चाहिए था। तो ये कैलकुलेशन होगी कहां से, ये होगी आपका पावर पिवट से। कैसे, तो यहीं पे आपके सामने मैं पावर क्वेरीज होगी, इसी सामने गेट डेटा में आपने देखा इसमें यहां पे लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर दिख रहा है आपको। तो जब पावर क्वेरी को जब आप लॉन्च करेंगे तो एक यहीं पे आपको क्वेरी होगी जो क्वेरी आपने पावर पिवट में देखी, सेम ऐसे ही है, थोड़ी बहुत का फर्क है जो कि हम आप यूज करेंगे तो पता चल जाएगा, नहीं तो हम बता देंगे। तो ऐसा ही क्वेरी आपको पावर पिवट में भी खुलता है, तो पावर इसमें पावर बीआई में भी खुलता है। बता दूं आपको, हां जी दोनों में अंतर क्या होगा, सेम ही होती है अलग होती है दोनों? देखिए ये जो आपको काम करते हैं वो इसकी लिमिट 65,000 तक, ये 10,00,000 तक होती है। पावर बीआई में लिमिट थोड़ा सा कोई फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड है, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ओके, लेकिन जो पावर क्वेरी जो मेथड होता है फॉर्मूला वगैरह वो सेम होता है, लॉजिक मोस्टली सेम होता है। मतलब अगर आप अच्छे हो इसके अंदर पावर बीआई के अंदर, इसके अंदर पावर बीआई डायरेक्ट पावर पिवट पे पावर बीआई पे भी सिखा सकता था, लेकिन क्या है ना कि पावर बीआई नया है और एक्सेल आपके लिए पुराना है, तो इसमें ज्यादा समझ में आएगा। फिर जब हम पावर ओके करेंगे तो आपके पास इस बेसिक छोटी मोटी क्वेश्चन जो अभी बोल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं रहोगे। ठीक है ना, तो ये पावर बीआई खुल रहा है तो इसके बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इस पे आते हैं। तो ये आपके सामने मिल गया, अब इसमें आप अपने हिसाब से जो कैलकुलेशन करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहां पे अब मुझे मान लीजिए इसमें आपका डेट आपको दिख रहा है, ठीक है ना, अब मुझे इस डेट में से सिर्फ मंथ को अलग करना है, तो मुझे एक नया कॉलम ऐड करना हो क्या, ऐड कॉलम में आइए और ऐड कॉलम में यहीं पे आपको देखिए कस्टम कॉलम दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपने नाम डाली, क्या नाम डालना चाहते, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सेल मंथ, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो फॉर्मूला में यहाँ पे लगाऊंगा मंथ, यहाँ पे डेट डॉट मंथ दिख रहा है, और यहाँ पे डेट में दे देता हूं मैं डेट, या फिर डेट यहां से नहीं ले रहा है तो आप यहां से भी ये जो आपका डेट आया ना डेट इसको आप बड़ी ब्रैकेट में रखेंगे तो वो मान लेगा फील्ड, अगर बड़ी ब्रैकेट से बाहर रखेंगे तो मान लेगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए नो साइंटिफिक एरर हैज बीन डिटेक्टेड दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे होना चाहिए,
क्यों? क्योंकि हाँ यहाँ पे एरर हुआ, इसका मतलब है कि आपका फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मंथ आ गई नंबर फॉर्मेट में, उस तरह से मैं यहाँ पर कस्टम कॉलम करूँ और मैं एक और फॉर्मूला यहाँ पर लगाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि और क्या फॉर्मूला है। यहाँ पे आपका मंथ ठीक है, और राइट करते हैं और इसमें हम डाल देते हैं एक मिनट सर, एक अर्जेंट फोन ले रहा हूँ, एक सेकंड, सिक्स। थोड़ा ज्यादा मत समझाना, एक सेकंड। सर एक क्वेरी थी। हेलो हेलो सर, अभी एक एक्सेल में नया फॉर्मूला है, एक्स लुकअप, हाँ एक्सेल तो वो हमारा, दिख रहा है, एक्स लुकअप। हाँ एक्स लुकअप देखा है, लेकिन मेरा 2019 में नहीं आ रहा है। वो ऑफिस 365 में आता है, हाँ अब 365 विलुकअप की तरह ही है लेकिन विलुकअप से बेटर है। बेटर है। हाँ तो 2019 में लाना है तो सर किस तरह से ला सकते हैं कि फीचर ही नहीं है। बाबू ऑफिस 365 लेना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा, इसमें ध्यान नहीं दिया। हाँ ठीक है मैं भी देखूंगा बता दूंगा। हाँ जैसे कि यहाँ पे देखा आपने, हमने मंथ नेम का फॉर्मूला लगाया, इसका मंथ नेम आ गया। तो इसी तरह की सेम कैलकुलेशन आप देखोगे तो आपके पावर बीआई में भी है। सिर्फ आप जाते हैं गेट डेटा पे और जैसे आपने डेटा लेते हैं तो आप देखेंगे कि सिमिलर जैसे हमने एक्सेल में डेटा कनेक्ट किया था उसी तरह का डेटा कनेक्शन का यहाँ भी आ रहा है। और यहाँ हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डेटा कर दिया ना, ट्रांसफॉर्म डेटा कर दिया, तो ये आपका आ गया इंटरव्यू। इसमें भी आपको जो आपको रिफ्रेश करना है, जो आपको इसमें ऐड करना है कैलकुलेशन, यहाँ भी ऐड कर सकते हैं आप। सेम प्रोसेस से होगा, मत पे करेंगे हाँ यहाँ देखिए पे। यहाँ पे, यहाँ इसको देखिए और एक्सेल में दिया है उसको देखिए, आज चेंज लग रहा हाँ है, लग रहा है। खास चेंज नहीं है सर। हाँ इसलिए हमने आपको एक्सेल वाला पार्ट पढ़ाया। तो पावर बीडी की पावर पीआई वीआई कोर्स में हमने इसीलिए इस पार्ट को रख रखा है। ठीक है, तो इससे ठीक फायदा होता है ठीक है। वॉइस ब्रेक हुई थी, आपने क्या बोला है? अच्छा मैं बोला कि पावर बीआई में हमने इसलिए पावर बीआई कोर्स में एक्सेल का पार्ट को इसलिए रख रखा है। ठीक है। तो इसको अभी हम यहाँ पे ये हो गया, अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ, मुझे वापस जाना है तो होम पे आइए, यहीं पे आपको लोड एंड क्लोज दिख रहा है आपको, जी क्लिक कर। तो आपके डेटा में ये आपका इस तरह से आ जाएगा। तो अब जैसे कि पावर पिवट वगैरह में आप जो इस्तेमाल करते हैं तो इसमें इस्तेमाल आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये तो आपका पावर क्यूरी हो गया, लेकिन पावर क्यूरी से कहीं जैसा एक और होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमएस क्यूरी, एमएस क्यूरी। जैसे ओके यहाँ पे देखिए आपने फ्रॉम यहाँ पे अदर सोर्सेज में मैं आता हूँ, अदर सोर्सेज में आपके पास आता है एमएस क्यूरी और माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी दिख गया। अब माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी में भी हम इसी तरह से एक्सेल फाइल को लेते हैं एंड ओके करते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट खुला है ना, नहीं डॉक्यूमेंट नहीं खोलता हूँ, मैं खोलता हूँ डेस्कटॉप। इसमें डीडी को लेता हूँ और इसमें मैंने डेटा वाली फाइल को लिया। अब मेरे पास इसमें ये अथॉरिटी है कि इसमें से मैं कौन सा डेटा लूँ और कौन सा डेटा ना लूँ, समझे?
मैं ऐसा बना सकता हूँ। हाँ दूसरा इसमें फीचर ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा हो सिर्फ डेटा हो, सेल्स मोड में मैंने बोला इक्वल टू, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा डायरेक्ट का डेटा होना चाहिए, डायरेक्ट सेल का, मैं डायरेक्ट सेल के ऊपर मैसेज करना चाहता हूँ। नेक्स्ट एंड रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर देंगे तो यार तो अब मेरे पास डेटा आएगा या लग के आएगा उसमें मेरा सिर्फ डायरेक्ट ऑलरेडी फिल्टर्ड आएगा, फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, ये समझे। एक्सेस उठाया जरा आपने, एक्सेस उठाइए, एक्सेस उठाइए, एनीवेयर से उठाइए, सब जगह सेम है, ये फिल्टर वाला ऑप्शन दोनों में हो पाएगा। असम में होगा, समझे। ले रहे सर, हाँ अब मुझे ये चीज को देखना है कि ये फैसिलिटी हमारे पावर बीआई में है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने भी यहाँ पे फिल्टर दिखा आपको, फिल्टर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ हमने सिर्फ डायरेक्ट को लिया, अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज एंड अप्लाई, और यहाँ जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया है, अब इसके भी इसमें भी मैं चला जाता हूँ अब डेटा में, और यहाँ लॉन्च क्वेरी डेटा, डेटा आ गया। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सेल्स मोड, कहाँ गया सेल्स मोड, सेल्स मोड को रखा और हमने इसकी क्वांटिटी रखा, डायरेक्ट ही आ रहा है सिर्फ। तो अब यहाँ पे हमें फिल्ट्रेशन देने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है सर, नहीं जरूरत है फिल्ट्रेशन नहीं देने की जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी डेटा ही मेरा फिल्टर हो चुका है। ऐसा ही एक्सेल में भी होता है कि एक्सेल में मैं आगे जाऊं और क्यूरी में सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट कर दूं कि मुझे डायरेक्ट चाहिए, देन ओके, और यहीं पे क्लोज एंड लोड कर देता हूँ, तो अब यहाँ मेरा सिर्फ डायरेक्ट का आएगा। तो ये तरीका एक पुराना तरीका था, एक नया तरीका, एक तरीका है हमारा माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। तो इसमें दिक्कत ये हुआ कि अब मुझे ये तो डायरेक्ट से दिख रहा है ना सर, अगर मैं इसकी क्यूरी क्यूरी कनेक्शन में चले जाऊं और इसकी प्रॉपर्टी पे चले जाऊं, इसको डबल क्लिक करता हूं, नहीं नहीं इस पे राइट क्लिक, ये प्रॉपर्टीज पे डिफरेंशिएशंस, यहां आपको दिख रहा है एसक्यूएल सेलेक्ट फ्रॉम डेटा, इसमें कहीं भी कंडीशन वगैरह का जिक्र नहीं है, अगर एडिट क्वेरी करता हूं तो वापस इस पे खोल के दे देता है। लेकिन अगर मेरा जो एमएस क्यूरी वाला पार्ट है उसमें अगर मैं जाता हूँ राइट क्लिक प्रॉपर्टीज पे आता हूँ, तो यहाँ देखिए एसक्यूएल क्यूरी है, और मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे डायरेक्ट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ऑनलाइन चाहिए, तो मैं इजिली यहीं पे जाके ऑनलाइन चेंज कर सकता, अब मेरा ऑनलाइन हो गया। यहां तक कि मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ P2 के ऊपर जो लिखूं उसी हिसाब से डेटा बने हमारा, तो हम यहाँ ये भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में जाके डेफिनेशन, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, क्वेश्चन मार्क देते ही जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ मुझसे मेरा पैरामीटर पूछता है, और पैरामीटर में मैं दे देता हूँ P2, एंड ओके। पापा कुछ भूल पी टू के गया, ऊपर मान लीजिए मैंने लिखा डायरेक्ट पापा से, कुछ भूल, डेटा हमारा डायरेक्ट का हो गया, मैंने लिखा ऑनलाइन तो डेटा हमारा ऑनलाइन हो गया, बट ये फीचर हमारे उसमें नहीं उस आता है, खर्चा भी आ रहा है। समझे। तो दोनों में दोनों अभी ऐसा, क्योंकि ये थोड़ा सिंपलाई है, सिंपल है, तो आप बोलेंगे कि मैं सिंपल, क्योंकि इसमें हमें एसक्यूएल क्यूरी करने की परमिशन नहीं है, बट एमएस क्यूरी में हम एसक्यूएल क्यूरी लिख सकते हैं, हमारा परमिशन है, समझे, क्लियर है, हाँ सर, कोई डाउट आप लोगों को सर।
मुझे तो नहीं है। चलिए इसमें और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसको सेव डॉन्ट सेव करता हूं और मैं एक छोटा सा डेटा बनाता हूं। तो पावर जो आपकी पावर बीआई की क्यूरी है, इस पे हम पावर बीआई में तो जाएंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे, फिलहाल मैं इसको स्टॉप कर देता हूं। ठीक है, हम इस पे आते हैं एक्सेल पे, एक्सेल वाले की क्यूरी पे, क्यूरी एडिटर पे। अब मेरे पास डेटा है, मान लीजिए दो डिपार्टमेंट का, जैसे कि मैं यहाँ देता हूँ, ये हमारे पास माने कि ये आपका हाफ ईयरली डेटा हमारे पास आता है, तो ये आप जून तक का डेटा हमारा यहाँ पे आया और हाफ ईयरली में मुझे टू मतलब कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक का डेटा इसमें हम यहाँ पे दे देते हैं डेट नेम प्राइस से, सिंपल सा हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो नाम रिपीट करते हैं, छोड़ दीजिए ना एक मिनट, जून तक हटा देता हूँ, डेटा रहेगा तो जल्दी पता चल जाएगा, इसलिए और तक ही रखते हैं। दोनों डेटा अभी ये नहीं हुए हैं, फाइनल नहीं हुए हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, समझे सर? इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो मुझे इस डेटा को पिवट में या मुझे इकट्ठा चाहिए, पिवट के फॉर्म में चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मुझे यहां पे इसका मुझे इसको यहाँ इकट्ठे कॉपी करना है। तो अगर मैं पूरा 2019 का डेटा मुझे यहाँ चाहिए, तो 2019 के डेटा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ तो मुझे इसको कॉपी और फिर जाके इसमें पेस्ट करना होगा, फिर इसको वापस कॉपी और फिर मुझे इसके नीचे जाके पेस्ट करना पड़ेगा। दिक्कत है ना सर? पेस्ट करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ ऐसा ना करना। तो उस केस में हम देखिए क्या करते हैं, हम यहां पे क्यूरी रन करेंगे, दोनों तरीके से मैं आपको समझाता हूं। डेटा में जाएंगे, फॉर्म फाइल, यहां पे पावर क्यूरी का डेटा लिखा था। इसमें अब इसमें क्या है कि हम दो सीट का डेटा कॉपी नहीं कर सकते, पर पावर क्वेरी में इसमें पावर में बड़ी कर सकते हैं, इसमें एक ही सीट सिलेक्ट होगा, दो सीट सिलेक्ट नहीं होगा। हम यहां पे इसको लोड कर देते हैं, यहां पे एक और लेते हैं,
और सेम मैं यहाँ पे आता हूँ डेटा में फॉर्म फाइल। तो इसमें अब जैसे इसमें डेटा आ गया ना, इसमें हम डेटा लाना जरूरी नहीं है, मैं बताता हूँ देख लीजिए। मैं यहाँ पे आपका ले लिया पावर टूल, क्योंकि हमें तो फाइनल डेटा चाहिए ना, ये तो आधा डेटा आया हुआ है। तो यहाँ पे आप टू को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो पावर क्वेरी एडिटर आपका आ जाएगा। लोड एंड क्लोज आपके सामने दिख रहा है, लोड एंड क्लोज में यहाँ पे नीचे वाला क्लिक करते हैं, मुझे ऑप्शन आया, मैंने ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। दो कनेक्शन यहाँ आ गया, यहाँ पे आपके सामने यहीं पे कंबाइंड क्यूरी आता है, जिसमें हमने मर्ज क्यूरी ले लिया। क्या ले लिया? तो ए हो गया और यहाँ पे हम टू कर देते हैं, दोनों आ गया। नहीं नहीं ये तो ज्वाइन हो गया, माफ कीजिएगा, ये रिलेशनशिप हो गया, हमें अपेंड क्यूरी करना है। अपेंड क्यूरी और यहाँ पे हमारा टू आ गया, टू टेबल है या उससे ज्यादा है तो इसको ले सकते हैं, ओके कर सकते हैं, देन ओके। देख रहे हैं यहां मर्ज हो गया, डेटा बढ़ गया ना सर, 100 से ऊपर चला गया। अब मैं यहाँ पे क्लोज कर सकता हूं। अब मुझे आपको पिवट टेबल में लेना है, जी हाँ पिवट टेबल में लेना है, एसडी वर्कशीट नहीं, नया टेबल में चाहिए या पिवट टेबल में चाहिए? मुझे पिवट टेबल रिपोर्ट में चाहिए। तो अब मेरे पास जो पिवट टेबल बन के आया है वो क्या बन के आया है, दो डेटा दो टेबल से। यहाँ देखिए पिवट टेबल की अगली जो कितनी अच्छी चीज है यहाँ पे, समझे? तो पूरे साल का डेटा है, दो अलग अलग टेबल पे हमने पिवट टेबल लगा लिया। लेकिन अगर आपके पास लोअर वर्जन का एक्सेल है तो क्या होगा, क्योंकि लोअर वर्जन के एक्सेल पे आपका पावर क्वेरी नहीं चलेगा। जैसे आपके पास 2013 है या आपके पास 10 है या 7 है, समझे सर? तो उस केस में हम अपना एमएस क्वेरी वाला ऑप्शन अपनाते हैं। ध्यान देखिए यहीं पे आपका अदर सर्विसेज में जाएंगे और फॉर माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी और यहाँ पे ओके एंड ओके और यहाँ पे हम पावर क्यूरी डॉक्यूमेंट है डेस्कटॉप पे आते हैं। और यहाँ पे हम पावर क्यूरी को सिलेक्ट करते हैं एंड ओके, एक सीट लेते हैं, इसका पूरा डेटा चाहिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। फिनिश के जगह पे मैं यहाँ पे दिख रहा होगा व्यू डेटा एडिट क्यूरी माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, हमने ओके कर दिया, ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का विंडो जहाँ पे हम सिक्कुल कोड लिख सकते हैं। सिक्कुल कोड में हमने इसको लिया एंड कॉपी किया और यहाँ पे हमने नीचे पेस्ट किया और इसमें हमने बोल दिया यूनियन ऑल। एक यूनियन ऑल कमांड होता है एसक्यूएल और जहां जहां हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना बहुत सारे इसमें लिख रखा है 5, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सीधे स्टार लगा सकता हूँ और 1 के जगह पे सीट नेम चेंज करना 1 2, ठीक है। अच्छा दो अलग अलग फाइल होता है ना, पूरा पाथ देना पड़ता है, कुछ नहीं आ गया सर। अब यहाँ पे रिटर्न टू एक्सेल अच्छा पिवट, तो दो अलग अलग शीट या दो अलग अलग फाइल के ऊपर हम इसी तरीके से पिवट लगाते हैं, दो या दो से ज्यादा, ज्यादा हुआ तो यूनियन और यूनियन और सी तरह से होते चला जाए, क्लियर है? हाँ सर। तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई है, फिर हम आपको आगे रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से समझाएंगे, क्योंकि कल जैसे मैंने देखा था आपको रिलेशनशिप ठीक से समझ में नहीं आया था,
तो हम रिलेशनशिप को आगे समझाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है।